गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। इट इज आई भव्य एंड आई एम अ 12th ग्रेडर। सो गाइज ये व्लॉग ना मेरे बाकी व्लॉग से थोड़ा सा अलग होने वाला है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग आउटसाइड, सो हियर आई वाज गेटिंग रेडी। आज मेरे को जाना था मेरी बुआ की 25th एनिवर्सरी में, एंड दिस वॉज द ड्रेस दैट आई ब्रॉट। तो अभी थोड़ा टाइम था, मेरे को हेयर स्टाइल वगैरह भी करना था। उससे पहले मैंने सोचा चलो एक लेक्चर ले लेती हूँ, तो मैंने एक PYQs वाला लेक्चर ले लिया था अभिषेक सर साहू का ही, और ये थे नोट। देन ये लेने के बाद मैं ढंग से रेडी हुई एंड दिस वॉज माई फाइनल लुक। तो मेरी आधी फैमिली इस फंक्शन में थी, मतलब ये मेरी मॉम है एंड इधर हम आ रखे थे बुआ के घर। सो गाइज ये है मेरी कजिन एंड ये है मेरा भाई जो कि तुम लोगों ने काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा, एंड ये है मेरे डैड जो कि बोर हो रहे थे बिकॉज दुल्हन रेडी हो रही थी, मतलब मेरी बुआ रेडी हो रही थी। वैसे तो सभी बोर हो रहे थे, सभी फ़ोन के अंदर लगे हुए थे, जब बोर होते तो यही काम करते हैं। हम गर्ल्स तो जो है ना यहीं बैठे हुए थे एंड देख रहे थे दुल्हन कैसे रेडी हो रही है। एक दुल्हन का लहंगा भी आ गया था जो कि मेरा कज़न लेके आया था बाहर से। एंड यस गाइज ये रही मेरी बुआ जिनकी 25th एनिवर्सरी थी, एंड ये देखो ये अभी तैयार ही हो रही थी। वैसे तुम लोगों को पता है कि मैं बाहर व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, बहुत शर्म आती है, बट फिर भी मैं तुम लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। ये तो फिर भी फैमिली के अंदर वाला फंक्शन था, इस करके शूट करा है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को इफ़ यू हैवेंट। अब देखो हम वेन्यू पे पहुँच चुके थे एंड दिस वॉज द होटल वेयर द पार्टी वॉज। एंड यस इफ यू आर इंजॉइंग द व्लॉग सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। वेन वी रीच देयर ना, तो वहाँ पे डेकोरेशन हो रही थी उस टाइम पे। इतनी देर जब दुल्हन भी नहीं आई थी बिकॉज वो रेडी हो रही थी, तो तुम लोग को पता ही है कि लड़कियों को रेडी होने में कितना टाइम लगता है। तो इतना हम फोटोज क्लिक करने लग गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिप्स ले रही थी अपने भाई के साथ जो कि बहुत ज्यादा शैतानी करता है। देर बाद हमें मैसेज आता है कि दुल्हन आ चुकी है, तो हम बाहर से यू नो एंट्री करवाने के लिए लेके आए उन्हें। तो थोड़ा बहुत फोटोशूट भी हो रही थी वहाँ पे बिकॉज फोटोग्राफर भी इनवाइट कर रखा था। फिर मैं और मेरी कजन सिस्टर वर सिटिंग टुगेदर एंड वी वर टॉकिंग। एक्चुअली वी वर डेकोरेटिंग द प्लेट विद द फ्लावर्स। थोड़ा यू नो रिंग सेरेमनी भी करना था, तो उसके लिए हमने डेकोरेट करा था ये, एंड इसके अंदर फिर रखती थी रिंग्स। तो ये तो हो गया था, एंड फिर हमने अपने लिए भी कुछ फ्लावर्स बचा लिए थे जो कि इसे फेंकते हैं ना जब यू नो रिंग डालते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। अच्छा आप तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ सही जा रहा था। नो यू वेटिंग टिल द मॉर्निंग कम्स माय बैक, आई जस्ट वांना बी अलोन टू फील फ्री टुनाइट। तो रिंग सेरेमनी तो हो गई थी कंप्लीट, उसके बाद होने वाली थी जयमाला सेरेमनी। एंड आई एम रियली सॉरी बीच में ना क्लिप सही नहीं आ रही बिकॉज कोई ना कोई अड़ जाता था बीच में जब भी मैं बना रही थी या हिला देता था, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी सब तो ठीक है। ये देखो मेरे भाई की बदतमीजी, मेरे ऊपर ही फ्लावर्स गिर रहा है। फिर तुम लोग ये कहते हो कि मेरा भाई शैतान नहीं है, बहुत प्यारा है। सही बताऊँ ना, मेरे सारे के सारे कजन्स बहुत शैतान है। भर भर के फूल गिर रहे थे, मतलब इतने फूल गिरने की जरूरत भी नहीं थी जितने फूल वो गिर रहे थे, बट फिर भी चलो ठीक है, अच्छी बात। यहाँ देखो फूल ज्यादा ही लग गए थे, तो मेरी मम्मा भी हटा रही थी दुल्हन के सर से, और मेरा भाई पागल और गिर जा रहा। मेरी मम्मा ना हटा रही मेरे भाई को कि तू मत गिर जा। उसके बाद थी गिफ्ट सेरेमनी, और ये था हमारा गिफ्ट जो कि हम देने वाले थे, और मेरा भाई जो है ना इसको बदतमीजी से खोल रहा था। तो पहले तो मैं तुम लोग को दिखाती हूँ पहले किसने गिफ्ट दिया। तो पहले दिया था मेरे दूसरी बुआ ने गिफ्ट, तो मतलब मेरी छोटी बुआ है ये, और गिफ्ट भी खोल के दिखा रहे थे, तो मैं तुम लोग को दिखाती हूँ। तो उन्होंने गिफ्ट किया था ये फोटो, प्रॉपरली दिखाऊं तो ये रहा वो फोटो, तो ये भी बढ़िया था, और इतने में केक भी आ गया था। हमारी बारी थी और ये है हमारी पूरी फैमिली, हम दे रहे थे गिफ्ट। पर मेरा जरा मेरे भाई को देखो कितना ज्यादा शैतानी करता है। गाइस ये है मेरी दादी, मतलब मेरी बुआ की मम्मी। फिर हो रही थी केक कटिंग सेरेमनी, बट यहाँ पे देखो केक पे से फ्लावर उतार दिए गए हैं, और दूल्हे को बोला जा रहा है कि ये फ्लावर आपको दुल्हन को देना है, लेकिन दूल्हे को समझ ही नहीं आ रही है, तो सब लोग समझा रहे हैं। अभी लोग ना करके दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके दो, और फिर भी दूल्हे को समझ नहीं आ रही, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो दुल्हन को भी समझाना पड़ रहा है कि नीचे बैठ के दो, और मेरे फूफा भी लाइक सॉरी आई एम एन एंटी रोमांटिक। म्यूजिक बहुत लाउड था, तो मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। देखो म्यूजिक भी मैं ही चला रही थी, आई वॉज द म्यूजिक चलाने वाला पर्सन। फिर गाइज हो गया था स्टार्ट डांस। मेरा तो भाई काम था कि ढंग का म्यूजिक चलाना, और मेरे भाई का काम था सबके बीच में आना। एंड तुम लोग कहते रहते हो ना कि डांस की नहीं करती हो, तो देख लो डांस मैं इस करके नहीं करती हूँ बिकॉज मेरे को डांस ढंग का नहीं आता है। देख लो मैं कैसा डांस कर रही हूँ, बट फिर भी तुम्हारे लिए मैं पब्लिक में डांस कर भी रही हूँ, लेकिन पहले तो मैं बिल्कुल नहीं करती। 3 साल पहले भी ऐसा कुछ फंक्शन हुआ था हमारे घर में, लेकिन मैंने बिल्कुल भी डांस नहीं करा था। यहाँ पे मेरा सोलो डांस चला था, लेकिन मैं डांस स्टेप ही भूल गई बिकॉज क्या बोलूँ यार, मैं क्या बोलूँ।
और सुन लेना कमेंट में ना मेरे डांस के बारे में कुछ भी मत बोल देना। चलो गाइस, फिर उसके बाद गेम वगैरह हुई और फिर खत्म हो गया था हमारा फंक्शन। फिर हम घर पे पहुंच गए, तो जब हम पहुंचे थे तो काफ़ी शाम हो गई थी और मैंने सोचा कि चलो मैथ्स के फॉर्मूलाज ही रिवाइज कर लेती हूँ, बिकॉज ज़्यादा हैवी काम तो उस टाइम पे मेरे पे होने नहीं वाला था, बिकॉज आई वॉज टायर्ड। तो मैंने फॉर्मूलाज ही रिवाइज करने की सोची। एंड तुम लोग को पता ही है कि मैंने क्लास 12 की स्टार्टिंग में एक चैलेंज लिया था कि चाहे कुछ मर्जी हो जाए, हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही, बट हर दिन पढ़ना है, मतलब कोई भी दिन स्किप नहीं करना जिस दिन मैंने बिल्कुल भी ना पढ़ा हो। तो मैं यही चैलेंज कम्प्लीट करने के लिए जो है ना पढ़ रही थी आज थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा ही सही मैंने जितना भी पढ़ा बट आज पढ़ा था। और अगर मैं बात करूँ तो मुझे और भी बात करनी थी, दैट इज़ कि मेरे 5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाला है यूट्यूब पे। तो अभी अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, बिकॉज 5K कंप्लीट करवाने हैं यार। बाद ना मैंने एक IUPSC वाला लेक्चर भी लिया था अपनी कक्षा का ही, जो कि मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया था। तो हाँ, और वैसे ये 11th का ही रिकैप वाला लेक्चर था, तो ये हो गया था। चलो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।